अगर ऐसा मैं बोलूं कि अगर आपने अपने इंस्टाग्राम पे किसी रैंडम लोगों को देखा होगा जो कि आपने ना तो उसको फॉलो किया है ना तो उसने आपको फॉलो किया है, उसका स्टोरी अगर आपको पसंद आ गया और अगर उसको डाउनलोड करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आप हाय गाइस, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक ब्रांड वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हाउ टू डाउनलोड इंस्टाग्राम स्टोरी विथ म्यूजिक, यानी आप किसी के भी जो है स्टोरी को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन के गैलरी में स्टोरी के साथ में, इवन आप खुद के स्टोरी को भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे? इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था एक वेबसाइट के बारे में, उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से जो है किसी के भी स्टोरी को जो है डाउनलोड कर सकते हैं म्यूजिक के साथ में। कैसे? चलो मेरे साथ इस वीडियो का एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस, यहां पे मेरे पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट है और इसी का स्टोरी जो है मैं अभी डाउनलोड करके दिखाने वाला हूं आपको, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं कि इसमें जो है कौन कौन सा स्टोरी लगा हुआ है। तो देख सकते हैं कि मैंने यहां पे ओपन किया तो देखो ये सारा स्टोरी यहां पे लगा हुआ है, राइट? तो अभी इन स्टोरीज को मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। कैसे? तो इसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा अपने फोन में। तो सीधा चलो प्ले स्टोर पे एंड यहां पे सर्च करो इन स्टोर, ओके? उसके बाद ये वाला जो ऐप आपको दिख रहा है सिंपली से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, राइट? जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिख रहा है जहाँ पे आप किसी भी इंस्टाग्राम पोस्ट को या फिर रील्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, हमको अभी यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी को डाउनलोड करना है तो नीचे में देखो स्टोरी सेवर का एक ऑप्शन है। जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको दो सेक्शन मिलेगा, इंस्टाग्राम स्टोरीज का और दूसरा फेसबुक स्टोरीज का। तो सिंपली से हमको इंस्टाग्राम स्टोरी चाहिए तो उसके बगल में देखो यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन दिया है, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन करना होगा। बट उससे पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्या? देखो, आप अगर हम अभी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो दैट्स इट, कोई बात नहीं, हम अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे और सीधा डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन अगर मेरे इंस्टाग्राम में जो भी लोग ऐड है यानी जिसको भी मैंने फॉलो किया है या उसने मुझे फॉलो किया है वो सारे लोग दिख रहे होंगे, उनका भी अगर स्टोरी डाउनलोड करना है तो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा मैं बोलूँ कि अगर आपने अपने इंस्टाग्राम पर किसी रैंडम लोगों को देखा होगा जो कि आपने ना तो उसको फॉलो किया है ना तो उसने आपको फॉलो किया है, उसका स्टोरी अगर आपको पसंद आ गया और अगर उसको डाउनलोड करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको उसको सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उसको फॉलो करेंगे तो वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा और जब ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। उसके बाद सेम एज इट इज ऐसा ही आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। समझ गए? क्लियर है? ओके, तो उसके बाद यहाँ पे मेरा अकाउंट देखो लॉगिन हो चुका है एंड यहाँ पे जो है सारा स्टोरी मुझे दिख रहा है। लेकिन खैर, मैं अभी यहाँ पे खुद का स्टोरी डाउनलोड करने वाला हूँ, राइट? तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो मेरा सारा स्टोरी जो है सेक्शन वाइज दिखने लग गया है, सारा अलग अलग स्लाइड दिखने लग गया है। तो इसमें से मैं एक स्लाइड को डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करना कैसा है? नीचे में देखो डाउनलोड का एक ऑप्शन दिख रहा है, जिस भी स्लाइड को डाउनलोड करना है वहाँ पे क्लिक कर दो एंड ये जो है सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा एंड आपके जो है गैलरी में जाके सेव हो जाएगा म्यूजिक के साथ में, राइट? तो देखो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। अभी मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ अपने गैलरी में चल के। देखो गैलरी में मैं आया एंड यहाँ पे देखो ये जो है अभी डाउनलोड मैंने किया था ये यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइस, मैं इसको प्ले तो कर रहा हूँ लेकिन मैं इसका साउंड जो है म्यूट कर दिया हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पे यूट्यूब पे ये थोड़ा अलाउड नहीं रहता, इसलिए मैंने साउंड को यहाँ पे म्यूट कर दिया है। तो यहाँ पे मेरा गाना बज रहा है, आप एक बार ट्राई करके देखना, आपको खुद ब खुद जो है समझ में आ जाएगा, राइट? तो इस तरीके से जो है आप किसी के भी जो इंस्टाग्राम स्टोरी को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन की गैलरी में, यानी कि सेव कर सकते हैं म्यूजिक के साथ में। आप खुद की स्टोरी को भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे मैंने अभी करके दिखाया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन है, फिर कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट कर देना। 100% ट्राई करूंगा आपके कॉमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आपको कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो आपके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। गाइस, सिर्फ आपके लिए मैं यहां पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जो भी पसंद है उस पे क्लिक करो एंड एंजॉय करो।